बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। कबाड़ का काम करने वाले पर यह रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल आगे की जारी है, लेकिन गुस्साए लोगों ने कबाड़ की कई दुकानों में तोड़फोड़ की है और परिवार में गैंग रेप का आरोप लगाया है। रात में प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला। जो गुस्साए लोग थे उन्होंने कबाड़ की कई दुकानों में तोड़फोड़ की। साथ ही परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह गैंग रेप है। कबाड़ की दुकान में यह काम करता था जिस पर आरोप लगा है, कबाड़ का काम करने वाला था रेप का आरोपी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता, क्या कुछ और अपडेट इस पर शक्ति? देखिए, जो लोग थे, लोगों का काफी गुस्सा था। लगातार पहले उन्होंने थाना घोरा घेरा, कुछ हिंदूवादी जो संगठन के लोग थे वो वहां पर पहुंचे, क्योंकि मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ था। तो उन लोगों ने पहुंचने के बाद कुछ हंगामा किया, उसके बाद धीरे धीरे पता चलता चला गया और उसके बाद सूर्यनगर पुलिस चौकी पर एक घेराव कर लिया। काफी समय तक वहां पर सुबह से लेकर शाम तक बवाल होता रहा। कहीं लगातार जो कबाड़ियों की जो दुकानें थी उनमें आगजनी की गई, उन्हें थोड़ा फोड़ा गया, क्योंकि गुस्साए लोगों का साफ तौर पर कहना था जो कबाड़ वाले हैं, जो कबाड़ी की दुकान है, इन लोगों की जो गतिविधियां हैं वह सही नहीं है, क्योंकि जिस बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है वह वहीं से कुछ दूरी पर ही उसका घर था जहां पर ये जो कबाड़ी था वो वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक जो आरोपी था उसके खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो लोग थे उनमें काफी गुस्सा था, उबाल था और इसको लेकर बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कितना गुस्सा लोगों में था। प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदर्शन के दौरान आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी किया। हालांकि आरोपी को अभी पकड़ लिया गया है, लेकिन परिवार का कहना है कि ये गैंग रेप का मामला है और उसी लिहाज से इसकी पूरी जाँच पड़ताल। ABP News, आपको रखे आगे।